बहुत स्वागत है पीएसपी इंस्टीट्यूट पर दोस्तों। फटाफट से सभी को एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है इस रीजनिंग की। शानदार जानदार, एक बार सभी जुड़ जाइए फटाफट से। वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्तों। चलिए गुड मॉर्निंग। आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सुबह के 8 बज चुके हैं, लाइव क्लास होने वाली है, शानदार। चलिए सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा, एक मिनट। सबसे पहले आज हमारा रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट के अंदर क्रम परीक्षण हिंदी में, इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, एक मिनट। सबसे पहला, क्या आपको एक पंक्ति दे दी जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहा जाता है कि अगर एक स्थान इधर से यानी दाएं बायां ये हो गया और दायां ये है, लेफ्ट और राइट, बाएं से अगर एक स्थान दसवां है और बाएं से स्थान दसवां और दाएं से ग्यारहवां है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो आप पहले जोड़ोगे 10 प्लस 11 21 21 माइनस 1 यानी 20 विद्यार्थी। अब पूछा कि माइनस एक क्यों किया, क्योंकि आप इधर से भी इसको जोड़ दिया गया है और इधर से भी जोड़ दिया, इस वजह से इसे एक किया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और पीडीएफ का पासवर्ड है पीएसपी कैपिटल में, पीएसपी कैपिटल में है पासवर्ड। एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक स्थान दाएं से दसवां है, और पंक्ति में कुल विद्यार्थी 60 हैं, तो दाएं से स्थान कौन सा होगा एक का। तो सोचोगे, कुछ नहीं सोचना है, 60 माइनस 10 50 प्लस 1 51 स्थान हो जाएगा, यही है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। चलिए 40 छात्रों की कक्षा में एक कक्षा में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है, समीर की अपेक्षा 8 स्थान नीचे हैं, तो थोड़ी सी लैंग्वेज। 40 छात्रों की कक्षा में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है, समीर की अपेक्षा 8 स्थान नीचे है, क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है क्या। 40 छात्रों की पंक्ति में समीर का स्थान 12वां है और आलोक का स्थान 40 समीर का ऊपर से 12वां, ठीक है, आलोक का स्थान, यहाँ पर आलोक है, एक मिनट, यहाँ पर आलोक है, आलोक का स्थान समीर के अपेक्षा 8 स्थान नीचे है। ठीक है, तो आपको लाइन ऐसे बनानी है, अगर ऊपर नीचे दे रखी है ना, ऐसे बनानी है। उसके बाद 40 छात्रों की पंक्ति है, कुल 40 छात्र हैं, ऊपर से समीर यानी ऊपर से 12वां है समीर स्थान, आलोक का स्थान समीर की अपेक्षा 8 स्थान नीचे यानी इससे 8 स्थान नीचे आलोक है। तो पूछा है नीचे से आलोक का स्थान कौन सा होगा, 12 ये हो गए और 8 ये हो गए, 20 यानी ऊपर से तो गया 20, 40 में से 20 जाएंगे, 20 तो 20 बच्चे तो नीचे हो गए आलोक से, लेकिन आलोक का स्थान प्लस 1 करना पड़ेगा, तो 21वां स्थान होगा,
वैसे आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा बता देता हूँ। अगर देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब मान लो आपको इसको मानना है, तो इसका 1 2 3 4 5 इसका छठा स्थान है, तो और इधर से 1 2 3 4 5 पांचवा स्थान और इधर से छठा, दोनों को जोड़ोगे तो 11 हो रहे, लेकिन हमारे लाइनें तो 10 ही हैं। ठीक है, लाइन तो 10 ही है, इस वजह से यानी 2 बार गिना जाता है इसको। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपको 21। चलिए नेक्स्ट, 1 मिनट। किसी पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं, नरेश का स्थान ऊपर से शुरू से 25वां तथा बताओ अंतिम पंक्ति में से कौन सा स्थान होगा। कुल 60 विद्यार्थी हैं, माइनस करो 25 तो आपके आगे 35, 35 तो हो गए प्लस 1 36 राइट आंसर। अब पूछा कैसे आया, तो आप 60 विद्यार्थी हो गए टोटल, पूछा 60 विद्यार्थी नरेश का स्थान प्रारंभ से 25वां, यहाँ पर नरेश है, इसके बाद कितने विद्यार्थी होंगे यहाँ से, यहाँ से और इससे, तो आप कहोगे सर 35 विद्यार्थी इधर रह गए, 35 तो इधर रह गए प्लस 1 ये होगा तो 36। नेक्स्ट 36, कविता का बाईं ओर से 18वां स्थान तथा दाईं ओर से 30वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए 18वां स्थान बाईं ओर से और दाईं ओर से 30वां, पहले बताया था आपको किस प्रकार करना है, दोनों को जोड़ो माइनस 1 करो, 30 और 18 आपके होते हैं 48, 48 यानी 48 माइनस 1 47, 47 डायरेक्ट मेथड है। आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन है ये, फटाफट से नोट कर लीजिए सारे। नोट कर दीजिए सारे होमवर्क के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।